हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आ गई हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल को इनवाइट किया गया है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कब से कब तक अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर फ्रेशर के लिए वैकेंसीज भी आई हैं और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी आई है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो फ्रेशर के लिए वैकेंसीज आई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आई हुई है, जहाँ तक कि 10th पास के लिए भी वैकेंसी आई है। सो, किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मैं आपको हर एक नोटिफिकेशन साथ ही साथ बता देती हूँ, चाहे आपके स्टेट की वैकेंसीज आए चाहे सेंट्रल की आए, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैं वैकेंसीज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसमें सेंट्रल की अलग वैकेंसीज आई हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अलग आई हुई है। तो अभी मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर अपडेट करके आ चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आई हुई वैकेंसीज के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कब से कब तक अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, 5 से 6 टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं। एक पोस्ट इसमें ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसीज आई है उसके लिए। 10th पास की अलग वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर्स के लिए अलग रिक्रूटमेंट आई हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करना है और नोटिफिकेशन को PDF को आपने किस तरह डाउनलोड कर लेना है। लिंक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन पहले एलिजिबिलिटी ज़रूर सुन लेना, फिर ही आपने लिंक पे जाना है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जो आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट करेगा। लास्ट में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट लिंक। इंपॉर्टेंट लिंक में आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन जो मिलेगा, फर्स्ट वाला जो लिंक नज़र आएगा वो आएगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। आपने जब इस पर क्लिक कर लेना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यहीं से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। और इसी पेज पे आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, अदर इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके कम्प्लीटली आपने सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट की गई हैं, ये किसने आउट की है? ये वैकेंसीज आउट की है ICSIL ने, डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज आउट की है अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसीज को रिलीज़ किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर यहाँ पे आपकी इंटरव्यू होने वाली है, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो देनी है 1000 रुपये देनी है, वो भी सिर्फ वन टाइम है, नॉन रिफंडेबल है। पहले नहीं देनी है, आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तब देनी है, उसके अलावा कोई फी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई करना है, उनको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, अपने क्वालिफिकेशन के, अपना ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। और इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हर एक क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज है, हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट भी अलग है। मैक्सिमम जो एज है वो 40 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, अलग अलग पोस्ट वाइज है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट पोस्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने MBBS की है और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। वो नोटिफिकेशन में चेक कर लेना अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है। हम बात कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट की, जिसमें जो फर्स्ट पोस्ट आउट की गई है MO की है, मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। इसके लिए आपने MBBS की हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट पोस्ट मतलब मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी के लिए। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है मैक्सिमम 32 है और आपकी इसमें सैलरी जो रहने वाली है 53,100 प्लस आपको DA पे किया जाएगा, जो कि 17% रहेगा। 17% के अकॉर्डिंगली आपको 9,027 पे किया जाएगा। आपकी जो कंप्लीट इस पोस्ट के लिए सैलरी रहने वाली है 62,127 होने वाली है। और इसमें इन्होंने वैकेंसीज जो है 3 पोस्ट आउट की गई है, जिसमें 2 फीमेल के लिए हैं और 1 यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, अगर आप एलिजिबल है अप्लाई कर लेना है।
अगली हम पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री की हुई है साइकोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने एमफिल की हुई है मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी में तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है, मिनिमम जितनी मर्जी हो आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम जो है वो 35 है। सैलरी की हम बात करें, यहाँ पे आपकी 53,100 प्लस डीए, सेम जो मैंने आपको एमओ की पोस्ट के लिए बताया, यहाँ पे भी सेम सैलरी आपकी होने वाली है, जो कि टोटल होगी आपकी 62,127। इसमें एक पोस्ट है जो कि फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है। और इसके अलावा अब हम आ गए हैं थर्ड पोस्ट पे। मैंने आपको बताया 4 से 5 तरह की वैकेंसीज है। थर्ड जो पोस्ट आउट की गई है यहाँ पे, ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। जिन्होंने 10th पास की है अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास ग्रेड सर्टिफिकेट है नर्सिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको हिंदी अच्छे से बोलनी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिटन में कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ वर्बली बोला कि आपको हिंदी बोलनी आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट जो रहने वाली है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25। जो अदर कैंडिडेट है जो रिजर्व्ड है उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 18,797 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कुक की वैकेंसी है। जिन्होंने 10th पास की हुई है, कंप्लीट की हुई है 10th अपनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, वो कुक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कुक की पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितने टाइम का होना चाहिए, आपको 1 या 2 मंथ का भी आप अप्लाई कीजिए कुकिंग की पोस्ट के लिए। ये जो कुक वाली पोस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, एक ही पोस्ट आउट की गई है। तो अगर आप एलिजिबल है अप्लाई आपने ज़रूर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अप्लाई आपने करना कब है, इन्होंने आप देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 12 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे होगा और क्लोज हो जाएगा 13 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे तक। मतलब आप सोच सकते हैं 24 घंटे आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आप एलिजिबल है आप तैयार ज़रूर रहना इसके लिए। तो 24 घंटे के लिए लिंक एक्टिवेट होगा, सेम लिंक पे आपको जाना है, वहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, वहीं पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कहीं और भटकने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, इसी लिंक पे आपने जाकर अप्लाई करना है। और इसमें आपकी जो ICSIL ने वैकेंसीज आउट की है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ICSIL दिल्ली ने वैकेंसीज आउट की है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं वो आप पहले अच्छे से देखना, अगर एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करना, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम है। लेकिन आपको पता है मैं आपको हर एक अपडेट बताती हूँ जो बताने के लिए होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेटिस्फाइड है, एलिजिबल है, आपने अप्लाई करना है या नहीं। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, बहुत सारे और नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो चैनल पे ज़रूर बने रहना। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।